दत्तात्रेय हसबोले फिर बने हैं आरएसएस के सर कार्यवाह। आपको बता दें, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में यह फैसला हुआ, 2027 तक उनका कार्यकाल रहेगा। तो इसलिए मैदान में एक अस्थाई रचना करने पड़ी, तो अच्छी बात है। संघ के कार्य बढ़ने से और हमारे कार्यालय और इस प्रकार के भवन छोटे पड़ते हैं तो अच्छा है। तो भवन बड़ा होना एक है, लोगों के दिल उससे बड़ा है। तो इसलिए लोगों के हृदय के अंदर संघ प्रवेश कर रहा है और समाज में संघ के प्रभाव बढ़ते जा रहा है। अभी श्री रामलला प्रतिष्ठा के पूर्व 1 से 15 जनवरी तक देश भर में अक्षत वितरण के कार्यक्रम जो हुआ उसके बारे में आपको जानकारी दी है। उसमें जिस प्रकार लोगों के स्वागत रहा, वह देश के अंदर वातावरण कैसे है और वर्षों से संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक और सारे हिंदू समाज जिस सपने को देख रहा था और जिस विषय के आग्रह पूर्वक हमने कहा था, श्री राम जन्मभूमि और उस पर एक मंदिर, यह भारत के सभ्यता का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है। श्री राम भारत के सिविलाइजेशनल सिंबल है, राम मंदिर इस देश की अस्मिता का प्रतीक है। यह बार बार सिद्ध हुआ है और 22 जनवरी के पौष शुक्ल द्वादशी के कार्यक्रम इसको पुनः सिद्ध करके दिखाया है। तो इससे भी अधिक का हमारे लिए एक आनंद की बात यह है कि देश भर में स्वयंसेवक और इस विचार के साथ जुड़े हुए लोगों ने 19 करोड़ से अधिक, लगभग 20 करोड़ तक घरों का संपर्क किया है। यह मुझे लगता है भारत के इतिहास में किसी भी एक अभियान 15 दिन के अंदर जो हुआ है उसमें एक कीर्तिमान है। ABP News आपको रखे आगे।